हेलो फ्रेंड्स, मैं भरत, आपका दोस्त और आपका होस्ट, और आपको इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपने यूज़ करते हो ओप्पो A5 मोबाइल, तो आपने तो देखी होंगे कि ओप्पो A5 मोबाइल की जो कॉन्टैक्ट्स होता है उसमें सिम कार्ड की जो नंबर होते हैं वो बिल्कुल शो नहीं होता है। और अगर आपने चाहते हो कि किसी भी नंबर सेव करके रखना चाहते हो सिम कार्ड के अंदर, वो भी डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपना किसी भी नंबर सिम कार्ड के अंदर सेव करके रख सकते हो, और अपना सिम कार्ड के अंदर जो नंबर है वो अपना मोबाइल की जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें आप शो करा सकते हो एक्सपोर्ट करके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। तो दोस्तों, चलिए पहले सेटिंग्स खोल लेना है, और सेटिंग्स खोल लेने के बाद देखिए नीचे की तरफ एक ऑप्शन है सिस्टम ऐप्स की, यहाँ पर करिए क्लिक। और क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट्स की एक ऑप्शन है, यहाँ पर करिए क्लिक। और ये जो ऑप्शन फिर मिलेगा सिम कार्ड कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पर क्लिक करके आप अपना सिम का जो नंबर है वो आप चूज कर लीजिए। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप अपना किसी भी नंबर अपना सिम कार्ड के अंदर आप सेव करके रख सकते हो। क्या ऐसे देखिए, पहले यहाँ पर जो प्लस साइन है क्लिक करके आप ऐसे नाम लिख दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए लिख लेता हूँ कि AD, और यहाँ पर नंबर मैं ऐसे डाल लेता हूँ कोई भी, और सेव में कर दिया क्लिक। देखिए, ये जो मेरा नंबर है सिम कार्ड के अंदर सिलेक्ट हो चुका है, सेव हो चुका है AD। आप चलिए आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो मोबाइल के अंदर जो कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ पर है कि नहीं है। देखिए, यहाँ पर मेरा जो मोबाइल के अंदर जो है AD कोई जो नेम है वो नहीं है। आप कैसे आप ला सकते हो, चलिए आपको दिखाता हूँ। सेटिंग्स में करिए क्लिक, और ऐसे ही सिम कार्ड, सिम ऐप्स, सिस्टम ऐप्स, फिर कॉन्टैक्ट्स, और सिम कार्ड कॉन्टैक्ट, सिम चूज कर लीजिए। और यहाँ से आप नीचे में एक्सपोर्ट में करिए क्लिक, और जो नंबर को सिम कार्ड की जिस नंबर को आप लाना चाहते हो अपना मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें, उसे चूज कर लीजिए। चूज कर लेने के बाद एक्सपोर्ट में करिए क्लिक, और फिर ये यहाँ पर कैंसिल में क्लिक कर दीजिए। आप चलिए आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मेरा जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो मैं खोल लिया, और यहाँ पर देखिए AD जो नेम था वो आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही आप बहुत ही आसानी से अपना मोबाइल की जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में आप ला सकते हो अपना सिम कार्ड की किसी भी नंबर एक्सपोर्ट करके। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगे, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।